हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस और स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और थैंक यू सो मच वंस अगेन। 1000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं आपकी वजह से। और अब जैसे कि देखो, लास्ट वीडियो में हमने जो किया था वो किया था पहला चैप्टर प्रबंध की प्रकृति, दूसरा चैप्टर प्रबंध के सिद्धांत, व्यावसायिक वातावरण नियोजन हो चुका था पहले से। आज के इस वीडियो में हम संगठन, ठीक है, नियुक्तिकरण और आपका निर्देशन, ये तीन चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। ठीक, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक का मतलब होता है कि इससे आपकी केस स्टडी बन सकती है। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं बट केस स्टडी बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलग से आएंगे बेटा, वो मैं अलग से आपको बताऊंगा, प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन अलग से बताने वाला हूँ और साथ में मैं आपको स्टडी जो आपकी केस स्टडी होती है उसके भी क्वेश्चन अलग से आपको हिंदी मीडियम में मिलने वाले हैं, ठीक है। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि भाई एक वेबसाइट मैंने लॉन्च करी है आप ही के लिए है, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारी चीज आपको वहां पे मिल जाएगी। अभी बस बन ही रही है तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, commerceclassroom.xyz, ठीक है, ये वेबसाइट का URL है, आप इसको सर्च करो तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बेटा टॉपिक जो है ये है चैप्टर हमारा संगठन ऑर्गेनाइजिंग, इसके अंदर देखते हैं बेटा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो जल्दी से हमारा ऑर्गेनाइजिंग हाँ मिल गया भाई, चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग बेटा, इस देखते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होते हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। मैं इस पे नहीं जाऊंगा सीधा, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। संगठन महत्व वहत्व इन सबको हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे किसी काम का नहीं है भाई, ना 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 ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, संगठन की जो प्रक्रिया है वो एक बार को थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो हाँ भाई याद नहीं करना तो कम से कम छोड़ना भी नहीं है, मतलब रीड तो करना ही करना है इसको, ठीक है। इसके बाद भाई सबसे ज्यादा, मतलब पहले वाले से भी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना भाई, वो है आपका फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन। हाँ भैया ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी, ये इम्पोर्टेंट है। तो भाई अब इसमें आपको करना क्या है, तो भाई एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि देखो जी, डेफिनेशन, फीचर और एडवांटेजेस और इसकी लिमिटेशन, ठीक, डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का आएगा उस हिसाब से आपको लिखना होता है, ठीक है। औपचारिक अनौपचारिक याद रखना, और हो सकता है कि इसमें डिफ्रेंशिएट करने को आ जाए, बोले भाई औपचारिक अनौपचारिक में डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है, मतलब अगर आपका अकेला क्वेश्चन ना आए तो आपका ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। फिर आप उन दोनों को पढ़ लो या इसको पढ़ लो, बात एक ही हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद क्या है आपका संगठन ढांचा, कार्यात्मक व डिविजनल, ये भी बेटा इम्पोर्टेंट है आपका, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कार्यात्मक संगठन ढांचा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और आपका डिविजन अथवा प्रभागीय संगठन ढांचा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो दोनों ही पूछे जा सकते हैं, प्लस हो सकता है कि इसमें से डिफ्रेंशिएट भी करने को मिल जाए। हाँ भाई देखो, डिफ्रेंशिएट करने को मिला हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें काउंट होते हैं। देखो भाई, मेरे हिसाब से अब ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं रहा, ठीक है, पहले के जमाने में इम्पोर्टेंट रहा था लेकिन अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अब। लेकिन फिर भी अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसको मतलब पढ़ना नहीं है, पढ़ लेना, रीजन क्या है, ये आपके ना आने वाले टाइम में बहुत काम आएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जॉब इंटरव्यू के लिए चले जाते हो तो वहां पर, 12th के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, तो कभी कभी वो डिपेंड करता है भैया इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर, उसके दिमाग में आ गया तो पूछ लेगा वो, ठीक है, नहीं तो नहीं, चांसेस कम रहते हैं, बट अगर पूछ लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो कहेगा कि अभी तो आपने 12th करी और आपको यही नहीं आता। तो नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट रीड कर लेना, सिर्फ रीड कर लेना भाई, याद नहीं करना, रीड करना है, ठीक है। चलो जी, अरे हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट है बेटा टॉपिक, हाँ ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक एक, हाँ ये है, चल, कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड, क्या उत्तरदेयता को सौंपा जा सकता है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है भाई, ठीक है, ये अकेला क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना भैया।
अकाउंटेबिलिटी का मतलब हो गया, एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जैसे मान के चलो कि भाई मैं प्रिंसिपल हूँ, ठीक है, मैंने ये अपने एक टीचर को कहा कि भैया ध्यान रखना कि जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें। उसने क्या किया, उसने ये वाली बात बच्चों को जाके बोल दी कि बच्चों अच्छे से पढ़ना, ठीक है, बच्चे नहीं पढ़ पाए तो रिजल्ट खराब आ गया। तो क्या मैं बच्चों से पूछूं एज अ प्रिंसिपल या मैं टीचर से जाके पूछूंगा? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है? तो अगर वो टीचर की होती है, प्रिंसिपल टीचर को ही पूछेगा, भले ही टीचर ने बच्चों को कहा हो कि भाई तुम्हें करना है सब कुछ, मैं तुम्हारे पर छोड़ दिया, लेकिन फिर भी जवाबदेही तो टीचर की ही बनेगी। तो अकाउंटेबिलिटी आप नहीं कर सकते ट्रांसफर, ठीक है, इसको हटाते हैं, ये रीड करना है सिर्फ, ठीक है भाई, ये ना रीड करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है, अगर वो नहीं करोगे तो बेटा ये कर लेना बस, ये आपका इम्पोर्टेंट बन जाएगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है इसमें से, बस बाकी और कुछ भी नहीं है, हटाओ, जल्दी से हटाते से। मेरा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नियुक्तिकरण, छठा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं आपको ऐसे बताता हूँ, एक तो भर्ती है इम्पोर्टेंट, एक है आपका प्रशिक्षण, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भर्ती और प्रशिक्षण, 101% इसी में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, देखो ये सारी चीजें मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लगती तो इनकी तरफ तो मैं ध्यान नहीं देने वाला, मैं आपको बोल रहा हूँ हटाओ इसे, हटाओ सावन की हटाओ, ठीक है, हटाओ, ये सब हटाओ। हाँ जी भाई, रिक्रूटमेंट की बात आ गई है, तो रिक्रूटमेंट, हाँ जी, कर्मचारी भर्ती के स्रोत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भैया, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी, हटाओ इसे, अब हटाओ, ये मैंने आपको बता दिया इम्पोर्टेंट है बेटा, याद करना इसका मतलब, ठीक है, हटाओ, चैन बिल्कुल नहीं, चैन में भी ना एक दो चीजें है जो आपका बीच में से क्वेश्चन ना आ जाएगा आपका। प्रशिक्षण बेटा, प्रशिक्षण इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि विशेषता में, ना ये इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, प्रशिक्षण की इम्पोर्टेंट क्या है, प्रशिक्षण का महत्व आवश्यकता इम्पोर्टेंट है, बट इतना भी नहीं है कि आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है, तो रीड करना है इसको, बस आ गया तो आप तुक्का मार सकते हो, ठीक है। प्रशिक्षण की विधियां, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद करना है आपको, ये याद करना है, ठीक है, भर्ती के स्रोत और प्रशिक्षण की विधियां, ठीक है, ये आपको याद करना है भाई, तो ध्यान रखना जी। हाँ, लास्ट में एक आपको क्वेश्चन आ सकता है, वो आ सकता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। नॉर्मली ये देखो, ये क्वेश्चन ना वैसे आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है कि आ भी सकता है, और अगर ये आ गया ना तो आप इसमें तुक्का भी नहीं मार पाओगे, ठीक है, इसलिए रीड करना जरूरी है इसको, तो याद मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट रीड करके जाना, ताकि अगर आ जाए तो कम से तुक्का तो मार सको इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी टॉपिक हो गया हमारा जी, ठीक है जी। तो बेटा अब आपको बस सिर्फ रीड करना है, और जो जो चीजें मैंने इम्पोर्टेंट बोली है उनको आपको याद करना है, ठीक है, जैसे आप इतना कर लोगे आपका काम बन गया, आप केस स्टडी करने के लिए रेडी हो गए, ठीक है बेटा। ध्यान रखना, केस स्टडी भी सिर्फ वही बच्चे कर पाएंगे जिनको पहले से ही चैप्टर याद होगा, अगर आपको चैप्टर याद नहीं है तो भाई आप नहीं कर पाओगे, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको अब ये बता रहा हूँ कि पेपर की प्रिपरेशन करनी कैसे है, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई कोर्स बेचने के लिए नहीं आया, मैं आपको इसे समझाने के लिए आया हूँ, ठीक है जी। अब बात आती है बेटा चैप्टर नंबर 7 निर्देशन की, बात करते हैं हम यहाँ पे, निर्देशन में हम देखते हैं कि भाई इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है। मैं क्या संदेश वाहन शायद हटा दिया है टॉपिक, मैं कंफर्म, आप मेरे को याद नहीं है इतना, बट शायद ये हटा दिया है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है बेटा, ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा ये, उसके बाद फिर ये वीडियो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो निर्देशन बेटा, निर्देशन के इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या हो सकते हैं, बेटा ये वाला टॉपिक, सॉरी ये वाला टॉपिक, प्रवेशक के कार्य,
ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है बेटा। पर्यवेक्षक का मतलब होता है सुपरवाइजर, जो देखता है ना लोग कैसे काम कर रहे कैसे नहीं कर रहे, तो वही है ये, तो उसके कार्य ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है टॉपिक, ठीक है, तो ये आपको याद करना। अभी प्रेरणा तो बेटा आपको इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना आपका ये, तो इसके तो कहने ही क्या है, ठीक है। अभी प्रेरणा का मोटिवेशन का क्या सीन है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपसे ये पूछेगा इसके प्रकार, वो आपसे आपके प्रकार पूछेगा, ठीक है। मास्टर की आवश्यकता प्राथमिकता विचारधारा, ये आ सकती है भाई, बिल्कुल आ सकती है। इस तरीके से ये एरो बनाया हुआ है, पहले शारीरिक आवश्यकता होगी, फिर सुरक्षा की आवश्यकता आएगी, फिर संबंध की सामाजिक आवश्यकता आएगी, सम्मान की आवश्यकता आएगी, फिर आत्म प्राप्ति की आवश्यकता आएगी, ठीक है। तो कोई भी इंसान काम करता है तो इस लेवल पे काम करता है, पहले वो ये आवश्यकता अपनी पूरी करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, और लास्ट में जाके जब उसके पास सब कुछ हो जाएगा तो वो ये वाला अपना कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मास्लो की विचारधारा, हाँ भाई बिल्कुल सही आ सकता है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि जो हमारा क्या कहते हैं मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन क्या कैसे हो सकती है भाई, मौद्रिक हो सकती है, अमौद्रिक हो सकती है, ठीक है, पैसों वाली हो सकती है, बिना पैसों वाली होती है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। तो बेटा ये तो इसके ऊपर तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तो ये आपको रीड करना है, इवन याद करना, ठीक है, इसको ये आपको याद करना बस, ठीक है। मोटिवेशन मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है नेतृत्व की, तो नेतृत्व में आपको जो याद करना है बेटा, तो वो याद करना है आपको, कहाँ गया, अरे भैया कहाँ गया बट टॉपिक जो मुझे चाहिए था वो तो नहीं मिला मुझे यहाँ पे, ठीक है। हालांकि वैसे लीडरशिप एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट उसमें मुझे वो चीज नहीं मिली जो होनी चाहिए थी। खैर अब वो मैं आपको बता दूंगा, क्या कहते हैं, जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा तब, क्योंकि लीडरशिप का आपका केस स्टडी क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन हाँ इसका आपका डेट क्वेश्चन आएगा, तो जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काउंट कराऊंगा ना तब मैं आपको बता दूंगा कि भाई इसका क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, और साथ में आंसर भी दे दूंगा आपको। कम्युनिकेशन ये मेरा से हट चुका है, ठीक है टॉपिक, बट फिर भी अगर नहीं हटा होगा आप देख लेना एक बार, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है इसके ऊपर। अगर कम्युनिकेशन टॉपिक अगर नहीं हटा, और मान के चलो भाई आप पेपर देने के बाद जो बच्चे अब नए जो आएंगे उनके लिए तो टॉपिक आएगा ही आएगा, तो ये भी मैं कवर कर देता हूँ संदेश वाहन का कम्युनिकेशन का। तो बेटा कम्युनिकेशन में ना जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो क्वेश्चन आपका आ जाता है कि इसका प्रोसेस क्या हो सकता है, संदेश वाहन का मतलब क्या है, संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। फिर बात आ जाए संदेश वाहन के प्रकार, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना प्रकार की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर कम्युनिकेशन में मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बोलूं तो वो है इसकी बाधाएं, संदेश वाहन में बाधाएं क्या क्या आ सकती है, तो ये सारे बाधाएं हैं, चार टाइप की बाधाएं हैं, तो ये सारी की सारी बेटा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद करनी होती है, इवन अगर आपके एग्जाम में आ रही है, अगर आपके एग्जाम में ये टॉपिक है तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दो चीजें संदेश वाहन में, दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट होती है, एक तो इसकी बाधाएं और दूसरा है संदेश वाहन की बाधाओं को दूर करने के उपाय। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमारा क्वेश्चन, हमारा ये जो टॉपिक है वो कम्प्लीट हो जाता है, ठीक है। आज की ये वीडियो हमारी खत्म हो जाती है यहीं पर ही, और अगर वीडियो बेटा अच्छी लगे तो बेटा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अगर कोई डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कोई इश्यू अगर आपको हो, ठीक है, कॉल मत करना, मैं फिर कहूंगा आपको, आप कॉल करते तो बड़ी दिक्कत हो जाती है बेटा, तो आपको कॉल नहीं करना, ठीक है, बस ये ध्यान रखना आप। और बाकी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। शेयर कर देना बेटा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप से भी बता सकते हैं।